अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंजन और मैं आज आपके लिए फिर से लाया हूं एक फील्ड विज़िट, जिसमें आज घूमेंगे हम थोड़ा सा अपने इस गांव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और विज़िट करेंगे थोड़ा सा एक साइड एरिया जिसमें जो घर के तकरीबन मेरे पास ही है, उसमें एक छोटी सी झील और फिश फॉर्म टाइप का कुछ बना हुआ है, वो हम चलेंगे उसको विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वो कितना खूबसूरत मंज़र पेश करता है। अभी मैं अगर आपको दिखाता चलूँ मेरे जो सराउंडिंग्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ही लहलहाते खेत कल की तरह, जिस तरह कल हमने देखे थे, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक, अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो यहाँ का मौसम है। जो मौसम अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे, जो इस तरह मैं अभी शाम को निकला हुआ हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत हब्स और बहुत ज़्यादा गर्म लू चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेशली इस टाइम निकलना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल होता है निकलना। ये आप देखें मेरे बैक साइड पे कितना खूबसूरत सा एक, मतलब इसमें ये ज़्यादा यहाँ पे कोई पॉपुलेशन या कोई घर नहीं है, ये बिल्कुल साथ ही है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टाउन आपको सामने ही नज़र आ रहा है, ये आप सामने देखें, ये देखें वो सामने। आइए आपको दिखाता हूँ एक फ़िश फार्म और एक कुदरती झील है, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, जो कि बचपन में आई ऑलवेज़ लव टू कम हेयर विद माय फैमिली फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग आके ख़ुद को बहुत ही महसूस करते थे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी जगह है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छा लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ये देखें, ये मेरे बिल्कुल ही पीछे आप देख सकते हैं, ये सामने फ़िश फॉर्म है, ये सेपरेशन की गई है मिट्टी का एक बंद बना के, एक तरफ तो एक जनरल सी झील है जो कि वो दरिया के साथ ही जाके मिलती है, दूर तक है, और ये इसको सेपरेट करके एक फ़िश फॉर्म की शक्ल दे दी गई है। ये देखें, ये सेपरेशन कर दी गई है और इसको फ़िश फॉर्म बना दिया गया है, और इसमें एक ख़ास किस्म की मछलियों का वो छोड़ दिया गया है ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो और उसको हार्वेस्ट किया जा सके एज़ पर रिक्वायरमेंट। और ये जो है, ये पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों का, ये पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा अप है और ये काफ़ी ज़्यादा लो है, और एज़ पर रिक्वायरमेंट यहाँ से पानी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, फ़िश फार्मिंग की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली। ये देखें, ये एक बहुत ही काफ़ी सारा इसमें आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे जो कि काफ़ी दूर तक ये जाती है, और ये डैफोडिल्स, और ये देखें कितने ही खूबसूरत इसके पत्ते हैं और कितना ही दिल अफजो, ये देखें खूबसूरती देखें, ये इसमें मछली तकरीबन काफ़ी साइज़ की हो गई है और इसमें टिपटिपा भी रही है और कह रही है कि मुझे निकालो मुझे निकालो इसमें से और अपनी खुराक का सामान करो। आइए मैं आपको थोड़ा सा उसमें सेंटर की तरफ लेके चलता हूँ, वो देखें वो आपको थोड़े से और बंद नज़र आ रहे हैं, उस तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि कितना खूबसूरत ये इलाका है हमारा साउथ पंजाब। ये देखें वो सामने आपको लहलहाते हुए, चमचमाते हुए, मुस्कुराते हुए लोग और फसलें आपको नज़र आ रही हैं, और परिंदों की देखें वो वापसी शुरू हो गई है, वो देखें ये परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं, शाम का टाइम है तो ऐसे ही यहाँ पे अब तो परिंदे वैसे इतने नज़र नहीं आते, जो हम बचपन में यहाँ पे आके देखते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो पता नहीं क्यों हर चीज़ ही इंसानों के बढ़ने के साथ हर चीज़ कम होती चली जा रही है, क्योंकि इंसान जो है ना वो अपने अलावा किसी चीज़ को पसंद नहीं करता ना कहीं पे, तो वो फिर शिकार कर दिए जाते हैं,
यहाँ पे रशियन बर्ड्स आते हैं ये इन झीलों में, हर साल सर्दियों में रशियन बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब वो, क्योंकि माइग्रेशन चलती रहती है ना परिंदों की, तो जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, लोग प्लान करके बैठे होते हैं कि उसका शिकार करेंगे और अपने पेट की ग़िज़ा बनाएंगे उनको। लेकिन वो कितने ही खूबसूरत परिंदे होते हैं, उनको क्या मालूम, वो तो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता कि ये पाकिस्तानी हमें अपने पेट की ग़िज़ा बनाएंगे और हमारा वापसी का जो सफ़र है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। कुछ वापस चले भी जाते होंगे जो गोलियों से और शिकार से बच जाते होंगे, क्योंकि डिफरेंट तरह के शिकार हैं, गोलियों से भी किया जाता है, जाल से भी किया जाता है, और काफ़ी सारी किस्में हैं जिस तरह वो हंटिंग की जाती है परिंदों की। वो परिंदे ही होते हैं, शायद यहाँ पे आपको नज़र आ जाए, मुझे नज़र आ गए तो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। उसमें कुछ एक ब्लैक कलर का परिंदा होता है जिसको हम सराइकी में बोल्हा बोलते हैं, और एक को मुर्गा भी बोलते हैं। अब उनके एग्जैक्ट क्या नेम है, बस हमको ये क्या पता है कि वो रशिया से माइग्रेट होकर आते हैं सर्दियों के सीज़न में। अब भी उनकी वापसी मुकम्मल हो चुकी हुई है, वो तकरीबन वापस जा चुके हुए हैं, शायद कोई एक दो बचे हुए हों तो वो पता नहीं। अच्छा, ये मैं आपको अपने बैग पे दिखाता हूँ कि सूरज तकरीबन यहाँ पे अब ग़ुरूब होने वाला है, शाम का टाइम है, हल्की हल्की हबस क्योंकि पानी की वजह से होती है। ये देखें मैं इस वक्त बिल्कुल ही पानी के अक में मौजूद हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सूरज तकरीबन 10 से 20 मिनट में ग़ुरूब हो जाएगा, और तब तक मैं आपको इस झील का विज़िट करवाता हूँ। फ़िश फॉर्म्स हैं ये बने हुए, ये वैसे नेचुरल फॉर्म्स थे, ये पानी टोटली नेचुरल है। और ये देखें, ये भी फ़िश फॉर्म एक सेपरेशन की गई है, लेकिन इसमें शायद ये खुराक के लिए इस्तेमाल होता है या किस पर्पज़ के लिए, कुछ नहीं कह सकते अभी क्योंकि मुझे इसका कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इस चीज़ को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो फॉर्मिंग यहाँ पे नेचुरली होती है, इसका जो टेस्ट होता है वो जो बाकी फॉर्मिंग्स होती हैं जिस तरह सारी जो यहाँ पे, क्योंकि नेचुरली भी खुराक यहाँ पे बनती है, जो पानी है या इसके अंदर जो घास है ख़ास किस्म की बनती है, वो मछलियों के खुराक के लिए होती है, वो नेचुरली यहाँ पे खुद ही प्रोड्यूस होती है या उगाती है, जिसकी वजह से मछली का जो टेस्ट है यहाँ के जो फॉर्म का वो टोटली डिफरेंट है। जो सहराई इलाकों में या फिर ऐसे ही कुछ सेम थोर वाले ज़मीनों में कुछ लोग फार्मिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे पक्की ज़मीनें होती हैं, पानी ज़मीन से निकाल के, वो ऐसे है जैसे बिल्कुल ही किसी डब्बे में रख के मछली की ग्रोथ की जाए। लेकिन ये जो फॉर्म है ये आप देख सकते हैं कि टोटली नेचुरल है, पानी भी नेचुरल है, दरिया का पानी आता है, पानी से ज़मीन से भी इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। और इस तरह पानी की भी एक वजह हो सकती है कि जो नेचुरल वाटर होता है उसकी वजह से जो मछली की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, और उसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि एक फार्मी मुर्गी में और एक देसी मुर्गी में जो टेस्ट का डिफरेंस होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट दूसरी इस फिश में भी वही चीज़ देखने को मिलती है कि उसका भी टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ जाता होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ परिंदे जो मज़े से है यहाँ पे घूम रहे हैं मेरी तरह। ये देखें, मैं बिल्कुल फ्री यहाँ पे घूम रहा हूँ और बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। मैं तो अपनी नई ज़िंदगी महसूस करता हूँ जब भी यहाँ पे विज़िट करता हूँ, क्योंकि एक तो बचपन में हमने यहाँ पे बहुत ही बहुत ही हरकतें की है और शाम को घर से मार भी पड़ती थी, लेकिन कहते हैं ना कि शौक़ जो है ना वो उसका कुछ नहीं कर सकता कोई भी, शौक़ पूरा करते हैं बच्चे तो स्पेशली बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। मैं भी काफ़ी ज़िद्दी था, अब भी हूँ शौक़ के मामले में। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ बत्तख डक, वो देखें, मेरी वजह से वो थोड़ा सा दौड़ लगा रही हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि उनको मैं समझा सकूँ कि मैं आपको पकड़ने नहीं आया, मैं जस्ट आपको पिक्चराइज़ करके आपको मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखें,
बहुत ही मतलब फुल नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें किसी भी किस्म की कोई आर्टिफिशियलिटी या बनावट नहीं है। बस ये बनावट है कि इसमें मिट्टी के वो ट्रैक्टर की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, वो सामने ट्रैक्टर जा रहा है जो कि बंद को ऊपर करने या उसको मिट्टी डालने के काम आता है, तो उसकी आवाज़ में भी हमें डिस्टॉर्ब भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा। जो एक परिंदों का शोर है, शराबा है और आवाज़ें हैं, वो शायद डिस्टॉर्ट हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा इस ट्रैक्टर की आवाज़ की वजह से, लेकिन नो प्रॉब्लम, वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी। तो शाम तकरीबन हो चुकी हुई है, दिन अब ढलने लगा है, तो ये वो मैं आपको परिंदा कह रहा था, रशियन बर्ड कह रहा था ना, मैं आपको रशियन बर्ड वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ब्लैक कलर का एक मुझे नज़र आ गया है, वो आपको कोशिश करता हूँ कि इसमें जितना मैं जूम कर सकूँ। वो उड़ रहा है, वो देखें वो सामने, ये रशियन बर्ड है, इसको हम सराकी में बोला बोलते हैं। ये मेरे ख्याल में इसके बाकी साथियों को कत्ल कर दिया गया है और ये वन एंड ओनली यहाँ पे बचा हुआ है, और शायद ये भी किसी का शिकार बन जाए, और यकीनन, और मुझे नहीं लगता कि ये अकेला वापस जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आते तो बहुत हुजूम करके हैं लेकिन जाते एक दो ही हैं, और शायद ये एक अकेला कैसे सफ़र करेगा, तो इसके लिए शायद मुश्किल भी होगा और शायद वो वापस ना भी जा सके। खैर, ये तो हम आपसे ऐसे ही गपशप लगा रहे हैं, गपशप लगाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड किया जाए और अपनी बातें आपको सुनाई जाएं, और आपकी भी कोई बात है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। आप कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ आपकी कोई फरमाइश है इस साउथ पंजाब के हवाले से कि आपको साउथ पंजाब का कोई कल्चर दिखाना चाहिए, या आपको आपको इसका कोई पुराने मुकामात देखना चाहते हैं, कोई जगह देखना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको उसका विज़िट करवाऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल यही कुछ अवेलेबल है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो नेचुरल सी जगह है, लहलाते खेत, आबी हयात, परिंदे और मेरे जैसा बंदा आपके साथ है बातें करने के लिए। आवाज़ें आ रही हैं आपको परिंदों की? मेरे साथ मेरे अलावा किसकी आवाज़ें आ रही हैं आपको? यकीनन परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी, ट्रैक्टर के अलावा। ट्रैक्टर तो वो एक सेपरेट पार्ट है ना, वो तो डिस्टॉर्ट कर रहा है, डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके अलावा अगर कुछ है तो वो बताएं। तो ये देखें कितना बेहतरीन। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरा आज का वीडियो लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे, और मज़ीद मैं इसी तरह के कुछ वीडियोस और इसी तरह से कुछ कैजुअल तरह के कुछ अपलोड करता रहूँगा, ताकि एक तो हमारा जो साउथ पंजाब है उसको मैं पिक्चराइज़ कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। गर्मियाँ यहाँ पे यकीनन बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर गर्मियाँ ना हो तो फिर मीठा मीठा आम आप तक कैसे पहुँचेगा, फ्रूट्स कैसे तक आप तक कैसे पहुँचेंगे? ये कुदरत का निज़ाम है, जहाँ पे अगर यहाँ पे ज़्यादा बारिशें हों तो वो भी नुकसान है, अगर कम बारिशें हों तो वो भी नुकसान है, एक बैलेंस होता है ना। यहाँ अगर ज़्यादा बारिशें हों तो मौसम अच्छा रहेगा और उसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँचेगा, कैश क्रॉप्स यहाँ पे हैं ज़्यादातर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही, आज का जो विज़िट है बहुत ही पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ फिर मैं कल कोशिश करूँगा कि कोई एक अच्छा सा और प्लेस आपके लिए मैं लेके आऊँ, वो आपको विज़िट करवाऊँ, और फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी आपको अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही, वो देखें मछलियाँ जो है ना वो काफ़ी हरकतों में है, शाम के टाइम वो काफ़ी उसमें आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।